जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सैटरडे को हमने कहाँ तक किया था? सैटरडे को हमने सुपर प्रॉफिट्स मेथड जो है वो शुरू कर दिया था, राइट? अच्छा, सुपर प्रॉफिट्स मेथड के लिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 हमने हैंडआउट नंबर 2 से हमने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक है? ये हमारा जो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड है उसको ये कवर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोगों ने जी अटेम्प्ट किया था। हमने ये देखा था कि सुपर प्रॉफिट्स बेसिकली होते क्या है, हमने फॉर्मूला देख लिया था। तो सुपर प्रॉफिट्स मेथड का जो एक फॉर्मूला है, मतलब जो मेजर जो वालेकुम सलाम अरसलान, आवाज आ गई मेरे हाल से आपको नसीर, आवाज आ रही है? ठीक है, अभी अभी हमने स्टार्ट किया है। हमने सैटरडे को क्लास हमने छोड़ी थी, खत्म की थी सुपर प्रॉफिट्स मेथड के ऊपर, और हमने उसका फॉर्मूला देखा था, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पर एनम, एक साल का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पर एनम, के हर साल एक साल में नॉर्मल प्रॉफिट कितना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन अदर वर्ड्स, इतना कितना एक्सपेक्टेड था, कितना आपने अर्न किया। तो जो एडिशनल अमाउंट है वो क्या कहलाती है आपकी, सुपर प्रॉफिट्स। और फिर आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो मैं दोबारा से नहीं लिख रही, लिखने की जरूरत है, फॉर्मूला मुझे दोबारा लिखने की जरूरत है इसका, जो मेजर फॉर्मूला। वैसे हम एक जो दूसरा सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वो दोबारा कर ही लेंगे, तो वो उधर से रिवाइज आपका हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है किसी सवाल में आपको नॉर्मल प्रॉफिट पहले से गिवन हो, ठीक है? जिस तरह यहाँ पे आपको क्या दिया था, नॉर्मल प्रॉफिट उन्होंने बता दिया कि जिस तरह की फर्म है, जिस तरह का बिजनेस है, जो बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, जिस जिस इंडस्ट्री में वो बिजनेस ऑपरेट करता है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे इस किस्म के बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है, 10,000 रुपए, और फर्म कितना जो कमाती है वो एक्चुअल प्रॉफिट है बेसिकली, ठीक है? तो एवरेज प्रॉफिट कितना फर्म खुद असल में अर्न करती है वो 15,000 है। तो इसमें क्या है, सवाल के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको गिवन है और फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट भी गिवन है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट ना गिवन हो, तो अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये एग्जैक्टली वही वाला सवाल है। अब इसके अंदर जो डेटा आपको गिवन है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, सी डिसाइड्स टू रिटायर। फॉर द पर्पज ऑफ योर रिटायरमेंट द गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इधर तक बिल्कुल सेम, राइट? ऊपर से कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज रुपीज 1 लाख रुपीज। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि फर्म में पैसा कितना पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट? कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया हुआ है, कितना एम्प्लॉय किया हुआ है सारे पार्टनर्स ने मिल मिला के, 1 लाख रुपए। दिस इज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे वो क्या बता रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है आपका प्रॉफिट की, समझ लें, एक्सपेक्टेशन, ठीक है? कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 10 रुपए से कोई बिजनेस शुरू किया, तो ये एक्सपेक्टेड है वो कि भाई मुझे जो है ना वो 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं, तो मुझे हर साल 1-1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? तो 1/100 आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न हो गया। या इसको इस तरह से कर लें कि मैं अगर आपको ये कहूं कि मैं अगर 10 रुपए कहीं पे लगाती हूँ, कहीं पे इन्वेस्ट करती हूँ, बिजनेस शुरू करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, 100 रुपीज ये मेरा क्या है, ये मैंने कैपिटल एम्प्लॉय किया, राइट? इसके ऊपर अगर मैं कमा रही हूँ 10 रुपए, क्या किस चीज में कमाई होती है ज्यादा, जो मेजर जो फॉर्म ऑफ कमाई है किसी भी बिजनेस में, वो किसके थ्रू होती है, प्रॉफिट के थ्रू, राइट? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, और मैंने उसके उस वो पूरा साल एक्टिविटी हुई और मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसका क्या मतलब है, मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 10 रुपीज मेरा रिटर्न, इसको कहते हैं रिटर्न, यानी कि आपको वापस क्या मिला, आपको फायदा क्या मिला, और मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, कितने रुपयों से मैंने ये बेसिकली प्रॉफिट कमाया, 100 रुपए से, तो इसको फिर हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आंसर आता है, ये 10% है बेसिकली, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? बात समझ आ गई? ये आपका फॉर्मूला इस तरह से कैलकुलेट होता है। आपको आपको पता करने की जरूरत नहीं है, आगे जाके
रेशियोज में इसका शायद थोड़ा बहुत काम आए तो उसमें फिर हम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, बस रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पैसा डाला है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि प्रॉफिट कितना है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर आप इस किस्म की फर्म में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, कैपिटल एम्प्लॉय करते हो, तो उसके ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, 10%। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ एनी अमाउंट इन्वेस्टेड। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इस सिचुएशन में क्या है, 1 लाख रुपए मैंने कैपिटल एम्प्लॉय किया है सारे पार्टनर्स ने, राइट? तो उसके ऊपर इनको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, 10% × 1 लाख करें, राइट? 10,000। अब फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में डेटा डिफरेंट होता है, इसमें होता है कि भाई जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनर्स है वो है 2,50,000। तो फिर क्या होगा, 2,50,000 × 10% यानी कि उस 2,50,000 पे 25,000 इज व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है? अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। तो अब इसमें क्या हुआ, आपको इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट इस तरीके से नहीं एक्सप्लिसिटली दिया हुआ, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे क्या बता रहा है, द फर्म अर्न्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 पर एनम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इधर हम एक और एक नया फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लें कि आपके पास जो जो मेजर फॉर्मूला है इस मेथड का वो तो वही है, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पर एनम माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पर एनम, और उसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। अब बात ही आती है कि अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट पर एनम ना गिवन हो एक्सप्लिसिटली, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इन रुपीज, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इन रुपीज निकालने के लिए फॉर्मूला ये होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट है यानी कि परसेंटेज में आपके पास आंसर आएगा। दैट क्लियर? तो आपने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट आपको रुपीज में चाहिए, तो आपने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकलेगा 1 लाख रुपीज, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% आपका क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है, यानी के रुपीज 10,000 इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर आप उसको ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे, 15,000 आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है पर एनम माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपको सवाल में गिवन है। तो वही वाला, ऊपर वाला एग्जैक्ट वही वाला क्वेश्चन है, आंसर भी इसका सेम है, वैल्यू ऑफ गुडविल दोनों की सेम है, लेकिन थोड़ा सा तरीके में डिफरेंस है, ठीक है? अब क्लियर है बात ये? जी अरसलान, क्लियर? हमीदुल्ला, जवाद, नसीर, उसामा, शमायला, जरियाब, क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब एक और हमने मेथड पढ़ना है। वैसे तो आप अगर मुख्तलिफ बुक्स को देखेंगे तो हो सकता है आपको 2-3 और एक्स्ट्रा मेथड्स भी नजर आ जाएं कैलकुलेट करने के गुडविल के, लेकिन मेजर जो मेथड्स हैं वो यही हैं। अभी एक जो तीसरा मैं अभी हम आपको पढ़ाने लगी हूँ वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। उसका फॉर्मूला नोट कर लें पहले, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है? ये है मेथड नंबर 3। कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू ये डिवाइड का साइन है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस फॉर्मूला कुछ यू है, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, पर एनम, ये पर एनम है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पर एनम डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी पर एनम का ही होता है लेकिन इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, रेट आपका हमेशा आप पर एनम ही नॉर्मली देते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पर एनम डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फॉर्मूला नोट कर लिया, क्वेश्चन से इसको सही से समझते हैं, जी कर लिया नोट्स अपने फॉर्मूला?
ठीक है। अच्छा, अब सवाल पर आते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, सी डिसाइड्स टू रिटायर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ द रिटायरमेंट गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। बिल्कुल डिटो सेम आपका ऊपर वाला ही डेटा है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही डेटा है, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, मेथड अब वो कह रहा है थोड़ा डिफरेंट इस्तेमाल करें। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज वही 1 लाख रुपीज। ये क्या है, एक्चुअल कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया हुआ है पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10%, द फर्म अर्न्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 पर एनम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब कैपिटलाइजेशन मेथड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको जरा देखें। मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% होता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक, देखें वो जो 10,000 रुपए का जो हमने प्रॉफिट निकाला था कि भाई जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज होना चाहिए, है ना। मैंने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 10,000 रुपए होना चाहिए। ये 10,000 रुपए किस पे डिपेंडेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर थोड़ी चेंज कर दूं, मैं कहूं कि भाई 2 लाख रुपए अगर कैपिटल है तो जाहिर सी बात है फिर मेरा एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट भी डिफरेंट होगा, है ना, 20,000 हो जाएगा। अब ये बात हमें समझ में आ जाती है कि अगर हम बाय द बुक्स चलें तो जैसे जैसे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हम बढ़ाते जाएंगे यूजिंग द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी फिर चेंज होता रहेगा, राइट, बढ़ाएं या कम करें जो भी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं ट्विस्ट करके कि मैं आपको ये नहीं बता रही कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, मैं अगर आपको 1 लाख रुपए वाली चीज आपसे हाइड कर दूं, ये वाली जो चीज है ना वो मैं आपको हाइड कर दूं, मैं आपको ये कहूं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, जो मैं एक्चुअली प्रॉफिट कमा रही हूँ वो कितना कमा रहा है बिजनेस, मतलब मेरे से मुराद बिजनेस, 15,000 रुपए पर एनम। मैं आपको ये बोलूं, जरा वर्क बैक करके मुझे बताएं कि कितना कैपिटल इन्वेस्टेड होगा बाय द बुक्स थ्योरी के हिसाब से अगर हम चलें तो। आप ये कहेंगे फॉर्मूला निकालेंगे, कहेंगे अभी अभी मिस ने हमें क्या बताया था, ये वाला एक फॉर्मूला बताया है नॉर्मल प्रॉफिट का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, और हमने क्या निकाल लिया उससे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया था। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस पूरे फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं आपको बोलूँ कि ये अभी आपने फाइंड आउट करना है, और मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रॉफिट है वो क्या है 15,000 रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और मैं आपको ये कहूँ कि जरा मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालें कैपिटल एम्प्लॉयड की, मुझे बता जरा फिगर बताएं कितना होगा, कि अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट को रखूँ 15,000 रुपए, ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जी मुझे जरा बताएं कि 15,000 रुपए अगर मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, और मैं आपको बता रही हूँ कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, तो जरा मुझे बताएं कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड आंसर कितना होना चाहिए थ्योरी के हिसाब से, अगर हम बुक्स के हिसाब से चलें, 1,50,000, राइट। 1,50,000 आपका क्या है कि इतना कैपिटल एम्प्लॉय होना चाहिए, राइट। अब मैं अगर आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मैं आपको जो हिडन इन्फॉर्मेशन है अब मैं आपको रिवील कर दूं, मैं बोलूं लेकिन मैंने तो कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है 1 लाख रुपए, यानी कि मैं 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट कमाती नॉर्मल जो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, मैं वो काम कर रही हूँ कम कैपिटल इन्वेस्ट करके। बात समझ में आ रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है एक्चुअली 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख रुपीज हायर प्रॉफिट कमा के मुझे दे रहा है अगर हम बुक्स के हिसाब से चलें, थ्योरी के हिसाब से अगर हम चलें, राइट। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज समथिंग पॉजिटिव, राइट, कि आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो नॉर्मल इंडस्ट्री का रेट है प्रॉफिट का कमाने का पर एनम, वो 10% है, लेकिन आप उससे डिफरेंट ही, आप ज्यादा ही रेट कमा रहे हो, राइट। तो वो जो 50,000 है अब वो आपका क्या कहलाएगा, गुडविल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, बात समझ आ गई। अब हमने कहा ये जो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना इस पूरे फॉर्मूले का, ये वाला जो पोर्शन है ब्रैकेट्स में जो है, ये क्या बताता है कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए था, ठीक है, कैपिटल दैट शुड हैव बीन एम्प्लॉयड, लेकिन एक्चुअली कितना कैपिटल एम्प्लॉय हुआ 1 लाख रुपए, और उसने 1,50,000 वाले कैपिटल का काम कर दिया, तो जो 50,000 है वो आपका क्या हो गया, गुडविल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 15,000, इसको आपने किया डिवाइड 10% से,
आंसर आपका आ गया 1,50,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल कितना एम्प्लॉय हुआ हुआ है 1,00,000 रुपए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 50,000 जो है वो आपका हो गया गुडविल। अब इसमें ये थोड़ा बहुत मसला आता है टाइप करने में। जी शमाइला क्लियर होगी बात, हमीदुल्ला ठीक है। ये आपका कहलाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। जी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे चलें। ठीक है ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। हम अभी एक अच्छा सवाल भी करते हैं, थोड़ा बड़ा सा सवाल है ठीक है। ये अभी सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं फॉर यू टू गेट अक्वेंटेड विद द फॉर्मूलाज। पहले पढ़े हुए ये फॉर्मूलाज? नहीं पढ़े हुए? चलें ठीक है, उसको नोट कर लें फिर ठीक है। अच्छा फिर अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़े से, अब ये थोड़ा सा अब आपका पिछले अभी अभी जितने भी दो तीन मेजर जो मेथड्स थे ना वो तो मैंने पढ़ा दिया आपको ठीक है। मैंने आपको उनके फॉर्मूला बता दिए कौन कौन से, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। दीज आर द थ्री मेजर फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। इसके अलावा एक दो और आपको किसी और बुक में नजर आ जाएंगे। मैं उसका सिर्फ आपसे फॉर्मूला शेयर कर दूंगी, हम उसमें इतना ज्यादा घुसेंगे नहीं। उसका मैं मटेरियल आपको भेज दूंगी, उसमें पर हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है। जो मेजर है वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लोज टू वट यू मे बी एग्जामिन्ड ठीक है। क्या बता रहा है ये, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2:2:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट डी एज अ पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ। एंड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट और लॉस। यानी कि सबसे पहला वाला मेथड कि आपने पिछले 5 सालों के एवरेज लेना है प्रॉफिट्स और लॉसेस को, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। बड़ा आसान लग रहा है। अब जरा नीचे आए आखिरी जो 2 लाइनें हैं, ड्यूरिंग 2000। अब देखें हम लोग कौन से साल में खड़े हुए, हम लोग एक्सपेक्ट मोस्ट प्रॉब्लम खड़े हुए 2003 के शुरू में, क्योंकि आपको पिछले 5 सालों की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो 2002, 2001, 2000, 1999 और 1998। अब वो क्या कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले, 3 साल पहले की बात है, ड्यूरिंग 2000 अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख वॉज परचेज्ड। क्या हो गया ये, आपने एक फिक्स्ड एसेट परचेज किया था। कौन सा एक्सपेंडिचर है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है राइट। 1 लाख रुपीज का आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, लेकिन हुआ क्या, 2000 में अकाउंटेंट चले, वेरी गुड, अकाउंटेंट इनकरेक्टली रिकॉर्डेड द परचेज एज अ व्हाट, एज अ रिपेयर्स एक्सपेंस। यानी कि उसको उसने रेवेन्यू एक्सपेंस कर दिया। क्या करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना था, उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको रिकॉर्ड कर दिया। यानी कि पूरे 1 लाख की फिगर क्या हो गई, ईयर 2000 में पूरे 1 लाख रुपीज की जो फिगर है वो पूरी की पूरी एक्सपेंसेस में निकल गई। क्या होना चाहिए था, चले देखते हैं ना सी क्या करना है। होना क्या चाहिए था, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाना चाहिए था, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं हुआ। क्या हो गया, पूरा 1 लाख एक्सपेंस में चला गया। अब हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, उस साल के, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सब्सिक्वेंट ईयर्स में इसका कोई इफेक्ट है या नहीं। पहले हमें करना होगा प्रॉफिट की एडजस्टमेंट ठीक है। तो ये भी वार्म अप सी है, अभी जो अगला हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए जरूरी है। नेट प्रॉफिट डिक्रीज बाय 1 लाख, आर यू श्योर? पूरे 1 लाख से डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज होगा नेट प्रॉफिट। अच्छा यहाँ पे आ जाए, देखते हैं इसको करते हैं ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, हैंड आउट नंबर 2 का। अच्छा हम पहले वो वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस को नोट कर लेते हैं जिसमें कोई मसले नहीं है ठीक है। वो कौन कौन से, 1998 और 1999 के। तो हमने ये कर दिया 1998, 1999 और हमने ये कर दिया। ये 30,000 का लॉस है तो मैंने इसको -30,000 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 50,000 लिख दिया ठीक है। ठीक है अब हम आते हैं ईयर 2000 के ऊपर। इसके लिए अब हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी वर्किंग। ये क्या कह रहा है कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट
आ रहा है वो आ रहा है 60,000 का, लेकिन अब मसला क्या है, इस 60,000 में इस 60,000 के अंदर आपको ये पता है कि 1 लाख रुपए की ऐसी एक्सपेंस की अमाउंट जा चुकी है जो कि एक्सपेंस पूरा का पूरा नहीं जाना चाहिए था। तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, राइट? ठीक है, इसको आसानी के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि ठीक है हमें पूरा का पूरा एक्सपेंस आउट नहीं करना चाहिए था, तो मैं वो पूरा का पूरा पहले 1 लाख रुपीज एड बैक करूंगी। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो भी टर्मिनोलॉजी जो भी आप पर्टिकुलर डालें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब एक और इसमें गलती होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एरर क्या हुआ, 1 लाख रुपीज पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, और अज्यूमिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन, क्योंकि उन्होंने हमें डेट ऑफ परचेज तो दी भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, 10,000 के ऊपर, सॉरी 1 लाख के ऊपर 10% पर एनम की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था, राइट? तो हमने क्या करना है, हमने ये कहना है कि इधर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था जो जो कि चार्ज होने से रह गया। कितने का, 1 लाख आपकी कैपिटलाइजेशन की अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय 10%। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल में 10,000 रुपये होगा। क्लियर होगी बात? तो चलें, अब हमने क्या किया, तो इसलिए जो लोग कह रहे थे जवाब, पहली चीज तो ये कि आपका नेट प्रॉफिट डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सपेंस आपने ज्यादा दिखा दिया था 90,000 का, और कितने से इंक्रीज करेगा, 90,000 से। तो अब जब हम अपना एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो वो निकलता है 1,50,000। ठीक है, और ये 1,50,000 मैं लिख देती हूँ इधर। ठीक है, 1,50,000। अच्छा, पीछे डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है आप लोगों को ज्यादा आवाज? चलें ठीक है, गुड हो गया। अब ये तो किस्सा हो गया 2,000 का। अब जब हम बात करते हैं, अच्छा वॉइस में है, वॉइस तो मेरी ठीक आ रही होगी, पीछे शायद थोड़ी डिस्टरबेंस आए तो उसको जरा बता दें, अगर ज्यादा हो जाए समझ में ना आए तो मैं फिर अपना पोजिशन चेंज कर लूंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं वही बात करने लगी थी। अब क्या हुआ, 2001 में भी क्या किस्सा हुआ, 2001 में क्या हुआ, अच्छा ठीक है सही है जवाब, 2001 में क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है वो पूरे 1 लाख की फिगर तो आपने एक ही साल में एक्सपेंस आउट कर दी, इसका मतलब ये है कि 2001 में भी 10,000 रुपीज का जो एक्सपेंस था वो चार्ज नहीं हुआ, 2002 में भी 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था जो कि चार्ज नहीं हुआ। तो वेरी गुड, हमारा इस तरह का कोई भी एरर हो जाए ना, कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंस चार्ज हो गया, और रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस चार्ज हो गया, तो आपने इसको अपने गिरा में बांध लेना है। इस किस्म के एरर का इफेक्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स पे भी आता है, ठीक है, अनलेस उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हो। तो अब हमने क्या करना है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे वर्किंग मैं पूरी प्रॉपर नहीं कर रही, इसमें आपको पता है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि 1,40,000 में 10,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं हुआ हुआ, तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा 1,30,000 लिख देंगे। इसी तरह 1,35,000 में भी 10,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं हुआ हुआ, तो अब ये जो रेक्टिफाइड अब आपके पास नेट प्रॉफिट्स हैं ये आपके पास आ गए, करेक्ट? आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड अप्लाई करना है, जिसमें क्या होता था कि हम सबका टोटल करते थे, इन 5 सालों के प्रॉफिट्स का आपने टोटल किया, आंसर आपके पास आ जाएगा 4,25,000। फिर आपने क्या करना है, इनको करना है डिवाइडेड बाय 5, 5 ईयर्स है डिवाइडेड बाय 5 इंटू कितना, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स परचेज है, 2 ईयर्स परचेज है, 2 ईयर्स परचेज है, तो आपने क्या कर दिया, इनटू 2 कर दिया उसको। ठीक है, आपके पास गुडविल की फिगर आ जाएगी 1,70,000। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, इधर गुड लेबल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चलें जी, कर लिया नोट, आगे चलें।
अच्छा सारे लोग लिंक को चेक कर रहे हैं ना। लिंक पे मैंने पैक के क्वेश्चन बैंक के पुराने जो क्वेश्चंस थे, पुराने क्वेश्चन बैंक है, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो हम उधर ही से क्वेश्चंस को देखेंगे। अब आप देख लें, जिनके पास हार्ड में मौजूद है, M6 है, A and B का सवाल है ये। ठीक है, ये M6, M6 का भी अभी हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट बी, जो पार्ट ए सॉरी पार्ट बी जो है, वो अभी तक हमने नहीं किया। अभी हम जब एडमिशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसका देख लेंगे। ठीक है, M6 क्या कहता है? ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। ऑन 1 जुलाई 2005 दे अग्रीड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज, यानी कि मल्टीप्लाई जो करना है वो 3 से करना है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। और उन्होंने आपको क्या दे दिया? पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दे दिए। और आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी नोट कर लें कि ईयर एंड क्या हो रहा है जी, 30 जून हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि साल के पहले दिन ही उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया। ठीक है, फिर वो आगे जाके ये बताता है, ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स वर रिवील्ड। पहला क्या मैटर रिवील होता है? जनवरी 1, 2003 में क्या हुआ था? अ मशीन वाज परचेज फॉर ₹1,60,000। 70% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली एंड कैपिटलाइज्ड। द बैलेंस वाज पेड ऑन 1 जुलाई 2003 एंड वाज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एरर हो गया इसमें? इसमें आधी तो 70% जो अमाउंट है वो तो बिल्कुल ठीक ठीक कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हुई, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ठीक ठीक चार्ज हुआ होगा, लेकिन जो रिमेनिंग 30% है उसको उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं रिकॉर्ड कर दिया किया। इंस्टेड उन्होंने क्या किया, इस साल में 1 जुलाई 2003, यानी कि अगले अकाउंटिंग ईयर में, अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है ना, जिस किस अकाउंटिंग ईयर में इन्होंने परचेस किया था, ईयर एंडेड 30 जून 2003 में उन्होंने मशीनरी खरीदी थी, जिसका 70% उन्होंने उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि इस ईयर के अंदर, ये वाला 30 जून 2003। लेकिन जो उसका 30% अमाउंट है वो जिस टाइम पे किया 1 जुलाई 2003 को, वो उस साल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो गया, यानी कि ईयर एंडेड 2004। ये सब मुझे फॉलो कर रहे हैं ये वाली बात को? डेट्स को जरा खास ख्याल रखना है डेट्स का। ठीक है, अच्छा सही है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर आगे जाके वो बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन है चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें उन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत सिंपल होता है राइट, हर साल वही डेप्रिसिएशन। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अब हमें थोड़ा सा टैक्टफुली चलना पड़ेगा, और वो शुक्र है ये उन्होंने कह दिया कि इट इज द पॉलिसी टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो एक हमारा स्यापा इसमें खत्म हो गया। प्रोपोर्शनल होता था, हमें मन से मल्टीप्लाई करना होता, वो पूरी कहानी चलती राइट। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2002 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,800। इसको भी देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। अब स्टॉक की क्या क्या फर्क पड़ता है ना प्रॉफिट पे, अगर आप एसओसीआई को दिमाग में लेकर आए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लेते हो, हालांकि ये दोनों क्या है, ये एसेट्स हैं, ये इनकम या एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ही एसेट्स होते हैं जो कि जिनका जो आपका प्रॉफिट पे अफेक्ट प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने ये बता दिया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उस साल का, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, तो अब इसका इसका मतलब है फर्क पड़ा होगा किस पे, प्रॉफिट के ऊपर। फिर वो आगे जाके क्या कह रहा है, फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2004 पोस्टेज एंड स्टेशनरी अमाउंटिंग टू ₹1,580 वाज रॉन्गली चार्ज्ड एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब इसका जरा मुझे बताएं, प्रॉफिट हमें प्रॉफिट बेसिकली चाहिए ना, प्रॉफिट ठीक होना चाहिए ताकि हम गुडविल सही निकाल सके, इसका कोई प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा आखिरी वाले पॉइंट का? नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी एक एक्सपेंस का आइटम है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी एक एक्सपेंस का आइटम है, उसको एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए था जो कि हो गया, यानी कि नेट प्रॉफिट पे हेड डिफरेंट हो गया। हाँ, हेड ऑफ अकाउंट बिल्कुल ठीक है, सेम हेड है, एक्सपेंस ही है, बस इसमें ये कौन सा एरर है, जरा इंट्रो का भी मैं आपका टेस्ट करूं, कौन सा एरर है, क्या नाम देते हैं उसको हम, एरर ऑफ कमीशन है ना, कि आपने बस सिर्फ एक टी अकाउंट बस आपने जो है वो हेडिंग आपने बस चेंज कर दी। ठीक है, चले अब हम इसको देखते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको करते हैं
ये हमारा M6 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने करना क्या है, अब हमने सारे ईयर्स के पहले प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ये जो स्टॉक वाली बात है ना, ये शायद थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल लगे, लेकिन एक दफा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब हम उसको करते हैं, स्टार्ट कब से हो रहा है ये, 30 जून 2001 से, ठीक है। अब थर्टी जून 2002, 30 जून 2003, 4 और 5, हमारे पास ये 5 साल है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट जो सवाल में आपको गिवन है, 141,400, मैं ये लिख रही हूँ इस पर से। अच्छा वीडियो स्लो है, अच्छा आवाज तो ठीक आ रही है। अच्छा चलो, अब अच्छा हसनैन आपको फिर इश्यू आ रहा होगा, ठीक है। अब हम पहले साल से स्टार्ट करते हैं। एरर्स जो आपको दिए हुए, इसमें कोई भी एरर जो है 30 जून 2001 का नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट भी यही है, ठीक है। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर हम आते हैं दूसरे साल पे। दूसरा साल है 30 जून 2002। जब हम इस ईयर को देखते हैं तो इसमें ये वाला एरर हुआ है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एरर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 2002 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्या कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया 16,800 से। अब मैं यहाँ पे साइड पे एसओसीआई की जरा फॉर्मेट बना रही हूँ, ठीक है। आपके पास सेल्स होती हैं, फिर आपके पास क्या आती है, लेस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये बात हो गया। अब ये आपकी सारी इंट्रो की ही रिवीजन है कि आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये एक ऐसा आइटम है जो कि सेल्स से क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के साथ, है ना। प्रॉफिट का कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या है, एक एक्सपेंस का आइटम है। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है ये। अब जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के ब्रेकअप में जाते हैं तो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है ये एक ऐसा आइटम है जो कि हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह परचेजेस, ये भी हमारा एक्सपेंस का आइटम है, ये बढ़ता है कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेगा टोटल अमाउंट, और ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका क्या होगा, कम होगा। 16,800 विल बी एडेड। सोचें जरा, अब जरा क्लोजिंग स्टॉक पर आए, ये जरा गौर से सुने। मैं अगर ये लिखूं क्लोजिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट, क्योंकि वो माइनस हो रहा है ना, वो बाकी सारे कंपोनेंट्स को माइनस कर रहा है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर कम होती रहेगी। मैं उस बेसिक्स में अब नहीं जा रही, ठीक है, जाने की जरूरत तो नहीं है मुझे, अगर जरूरत है तो बता दें मैं समझा दूंगी, ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है, वेल एंड गुड। जब क्लोजिंग स्टॉक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मैं ये बात कह सकती हूं कि क्लोजिंग स्टॉक इज दैट्स करेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, वो क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्या कर दिया था, ओवर वैल्यू कर दिया था, ओवर वैल्यू कर दिया था 16,800 से। तो जब आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया, इसका मतलब है कि प्रॉफिट भी क्या हुआ, ओवर वैल्यूड हो गया 16,800 से। समझ आ रही है बात, क्योंकि
क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड तो इसका मतलब है प्रॉफिट भी उस साल का हमने ओवर वैल्यू कर दिया था, तो हमने 30 जून 2002 के प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस करना है, 16,800 उसमें से लेस करना है. इज दैट क्लियर अरसलान? ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें से यहां से लेस कर दिया. लेबलिंग में इंशाल्लाह अभी बाद में कर देती हूँ, इतनी बात समझ में आ गई. अच्छा, फिर आगे चलते हैं. अब ये एक ऐसा एरर है कि इसका इफेक्ट सिर्फ 2002 में नहीं आएगा, 2003 पे भी इसका फर्क पड़ेगा. कैसे फर्क पड़ेगा? 16,800 से ओवर वैल्यू हुआ क्लोजिंग स्टॉक किस साल का, 2002 का क्लोजिंग स्टॉक. ये जो फिगर थी, ये जब 2003 के अकाउंट्स बने तो 2003 के अकाउंट्स में ये क्या बन गई, फिगर ओपनिंग स्टॉक बन गई, है ना. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम अभी हम कहाँ पे खड़े हुए, हम लोग तो खड़े हुए कौन सी डेट पे, 1 जुलाई 2005 पे खड़े हुए हैं, और हमने अब जाके हमें पता लग रहा है कि भाई ये एरर्स हुए थे. इसका मतलब क्या हुआ कि 2002 में जो मैंने फिगर ली थी क्लोजिंग स्टॉक की, वो ओवर वैल्यूड थी, वो तो मैंने चलो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर दी. जब मैं 2003 में आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, हम लोग कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी तरह से बनाते हैं कि पिछले साल के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब होता नहीं है तरीका, लेकिन आप उसको इस तरह से ही समझ लें कि पिछले साल के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए और आपने कहा कि पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक इतना था, ये अब क्या बना देंगे, इसको कहाँ पे लिख देंगे, इस साल के करंट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में लिख दिया. तो हमने क्या किया, वही वाले फिगर जब उठा के हमने 2003 में लिखी तो वो ओपनिंग स्टॉक बन गई, और वो भी क्या हो गई, ओवर वैल्यूड, है ना. वो भी 16,800 से क्या थी, ओवर वैल्यूड थी. लेकिन अब उसका इफेक्ट क्या होगा, ऑपोजिट इफेक्ट होगा. क्यों? अब 2003 में, 2003 का जो ईयर एंडेड है उसके अकाउंट्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, और ओपनिंग स्टॉक के बारे में हमने क्या कहा था कि ओपनिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रॉफिट. तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया था, इसका मतलब ये है 2003 का प्रॉफिट क्या था, अंडर वैल्यूड था. तो 2003 के प्रॉफिट के अंदर हमने 16,800 कर देना है एड. बात क्लियर है? जी, सब ओके कर दें तो फिर मैं आगे चलूं. अरसलान, हमीदुल्ला, हसनैन, जवाद, उसामा, शमाइला, क्लियर है? चलें, ये बात भी हो गई. तो हमने क्या किया, 2002 का हम देखते हैं, 2002 में और हमारा कोई एरर था नहीं, 2002 में हमारा सिर्फ एक यही एरर था, हमारा हमने ये अपना फिगर बनाया. अब हम आते हैं 2003. 2003 में एक एरर की एडजस्टमेंट तो हमने कर दी, 16,800 से हमने प्रॉफिट की फिगर में ऐड कर दिया. फिर हम देखते हैं इधर, ये क्या कह रहा है, ये वाला एरर भी इस इन 2 सालों में, अगले 2 सालों में फॉल करता है. वो ये कहता है कि 1 जनवरी 2003 में जो मशीनरी खरीदी गई थी उसका सिर्फ 70% जो वो कैपिटलाइज हुआ, 70% कैपिटलाइज हुआ, इसका मतलब है सिर्फ 70% डिप्रिसिएशन चार्ज हुई, राइट. तो अब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जनवरी 1 2003 है ये कौन से ईयर एंडेड में फॉल करता है, 30 जून 2003 वाले में, जो कि अभी हम लोग इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रॉफिट क्या है, ओवर स्टेटेड है. एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक पोर्शन चार्ज नहीं हुआ हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे, आसानी के लिए उन्होंने हमें क्या कह दिया कि फुल ईयर पॉलिसी है, तो इसका मतलब ये हुआ 1,60,000 का 30% इंटू 30% मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये हमारा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो कि चार्ज नहीं हो सका था. ठीक है, वर्किंग कैसी होगी इसकी, 1,60,000 वाला अमाउंट है जिसमें से 70% के ऊपर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी हुई है, 30% उसका अमाउंट है जो कि कैपिटलाइज नहीं हुआ था, और उसके ऊपर 10% आपका डेप्रिसिएशन रेट है जो कि चार्ज नहीं हो सका था. पहला साल है एसेट का, तो उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस स्ट्रेट लाइन मेथड सेम आंसर आता है, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है
4800। अब 4800 को हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। 4800 को आपने माइनस करना है कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने चार्ज नहीं किया हुआ था, ठीक है। हो गया, ईयर एंड हो गया, काम खत्म। इस वाले को तो हम क्लोज कर देते हैं, हम ये कहते हैं हमने जो इस साल में जो काम करना था वो हमने कर लिया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं अब हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है 1,52,000, ठीक है। अब हम आते हैं 2004 में। अपेरेंटली 2004 के कोई ऐसा एरर नहीं है, ये वाला एरर हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला एरर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैंने अभी आप क्या बोला था कि कैपेक्स का कोई भी एरर होगा उसका सब्सिक्वेंट ईयर्स पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, July 1, 2003, ये डेट फॉल करती है कौन से ईयर एंडेड में, 30 जून 2004 के। इस पे इन्होंने क्या किया, जो बैलेंस बनता था यानी कि 1,60,000 का 30% उसको पूरे के पूरे को एक्सपेंस आउट कर दिया। नहीं करना चाहिए था, राइट। तो एक काम ये करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, पहले उस पूरे के पूरे को क्या कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंस रिकॉर्डेड इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। फिगर कैसे निकलेगी, ये वर्किंग नंबर टू हम कर लेते हैं, 1,60,000 टोटल एसेट का अमाउंट था उसका 30%, सिंपल एज दैट। कितना आ रहा, 48,000। तो 48,000 को उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया था जो कि नहीं करना चाहिए था, राइट। चलें जी, ये एड बैक करना है, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब गड़बड़ क्या हो गई कि उस पूरे के पूरे को आपने पीएनएल में चार्ज कर दिया। पहली बात तो ये, इसका 2004 में कोई इफेक्ट आना ही नहीं चाहिए था मास सिवाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के, राइट। अब हुआ क्या, जो 30% आपने एक्सपेंस आउट कर दिया उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं हुआ, ना पहले साल, ना 2003 में, ना 2004 में, ना 2005 में, सिर्फ और सिर्फ उस 30% का, ठीक है। अब उसके अंदर मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ, पता होगा शायद आप लोगों ने, नहीं शायद ना पढ़ा हो, चलें ठीक है, ये आप I-16 में पढ़ लेंगे, वो शॉर्टकट फिर उधर ही समझा दूंगी, वो पूरा उसका वर्किंग करके, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4800 आपने डेप्रिसिएशन, ये तो अच्छा उस टाइम का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। इस पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, शॉर्टकट समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह एग्जाम में आप लोग शॉर्टकट ही लगाइएगा, ठीक है। हम एक काम ये करते हैं, 1,60,000 के 48,000 वाले पोर्शन पे ही फोकस करते हैं। जो पूरा एसेट था उसमें से 48,000 का एक हिस्सा था जिसके ऊपर 2003 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी वो तो हमने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अब 2004 की बात कर रही हूँ जो कि दूसरा साल है उस फिक्स्ड एसेट का, है ना, दूसरा साल है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ओपनिंग क्या करते थे, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू, जो कि अगले साल की क्या बन जाती थी, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, फिर उसके ऊपर हम अलग से रेट अप्लाई करते थे। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना आ रहा है, 48,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2003 आपके पास है 4,800, यानी के क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू ऑफ 2003 या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू ऑफ 2004, ये कितनी आ गई, 43,200, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर क्या होना चाहिए था, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, डेप्रिसिएशन टू बी रिकॉर्डेड इन 2004, जो कि नहीं हुई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 4320 का हम कहेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इनका चार्ज होना चाहिए था अगले साल में। अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 4800 4800 4800 हर साल में यही फिगर रिपीट हो रही होती, लेकिन अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसलिए हमें पता है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा ओवर द ईयर्स, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ठीक है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 2004 का, तो क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू ऑफ 2004 या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू ऑफ 2005 तक हमें प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है ना, वो बनता है 38,880,
और हम इसके ऊपर दोबारा 10% लगाएंगे, हम ये कहेंगे डेप्रिसिएशन टू बी रिकॉर्डेड इन 2005। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा आखिरी कॉलम है उसके लिए भी हमें डेप्रिसिएशन रेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पता लग गया कि तीसरे साल में भी क्या हुआ था, 3888 का आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, राइट। 2004 में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2005 की भी कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। जब हम अपने पास प्रॉफिट्स देखते हैं सिवाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के, जब हम अपने पास प्रॉफिट्स देखते हैं तो अब हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ये क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमने वही करना है, इनका आपने एवरेज लेना है, इसको करना है डिवाइडेड बाय 5, टोटल को डिवाइडेड बाय 5 और इनटू 3। जी बात क्लियर है, स्पीड में जल्दी जा रही थी, बात समझ आ रही है? अरसलान, हमीदुल्ला, हसनैन, जवाद, शुमाइला, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, सही। 427680, अच्छा यही होगा, एक सेकेंड मैं कर लेती हूँ। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो, टोटल प्रॉफिट्स बता रहे हो मुझे? -4320, नहीं जवाब यही है, 43,200 है, 4,32,000 नहीं है, 48,000 है ये, आपने गलत दिया। ठीक है, चले ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, हो जाएगा कैलकुलेट गुडविल। सॉल्यूशन मौजूद है सबके पास, नहीं है तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन यहाँ लिख रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 571,195 इसका जो है वो गुडविल की अमाउंट आएगी आपके पास, तो ये आपने चेक करना है खुद ही। ठीक है, 571,195। बस बात जो समझाने की थी वो ये थी कि अगर कहीं पे प्रॉफिट्स में एरर आता है तो पहले आपने उसको एडजस्ट करना है, और अगर केपेक्स का कोई एरर है तो उसका सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी इफेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर नाउ? चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एडमिशन का, हम थोड़ा सा देखते हैं। ये तो आपका काफी जनरल हो गया कि गुडविल किसी भी सिनेरियो में, अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना हो, भले पार्टनरशिप हो सकता है दूसरे सिनेरियोज में भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हो, तो आपके पास ये कुछ मेथड्स हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की। सबसे पहला हम टैकल करते हैं किसको, एडमिशन को। ठीक है, एडमिशन फेयरली सिंपल, जी बिल्कुल जवाब। अब इसको गुडविल के फॉर्मूले से, और कौन से फॉर्मूले से, सवाल में गिवन है एवरेज प्रॉफिट्स वाले में मेथड से, प्रॉफिट्स को ऐड किया, 5 साल के प्रॉफिट्स हैं तो डिवाइड बाय 5 टोटल अमाउंट को, और मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज वाली बात क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, चलें एक सेकेंड इसको। अच्छा, अब आप लोग आ जाएं, जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक है इंट्रो का, वो है M16। M16 खोल लीजिए, यहाँ पे खोल लेती हूँ आपके लिए। तो अब आपके पास जो सही वाले चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं अब जाके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, गुडविल इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। तो हम ये देखते हैं क्या कहते हैं ये, इसी तरह के मतलब इंट्रो में तो एटलीस्ट इसी तरह से आपका टेस्ट होता आया था। अभी अगर हम FAR 1 का जब सिलेबस देखते हैं तो उसमें पार्टनरशिप की वेटेज थोड़ी कम है कंपेयर टू इंट्रो।
लेकिन ऑब्वियसली अलोंग द सेम लाइन ही होगा वो वाला उनका भी क्वेश्चन, ठीक है। FAI-1 में भी इसी तरह से वो टेस्ट करेंगे, इसके अलावा और कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो एक पोर्शन पूछ लें, एक कोई SOCI बनाने को पूछ लें, फाइनेंशियल पोजिशन बनाने को पूछ लें, अप्रोप्रिएशन इस तरह की कोई चीजें हो सकता है वो कट डाउन करके थोड़ा सा पूछ लें, क्योंकि नॉर्मली इंट्रो के अंदर ये 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे, ठीक है। तो यू नेवर नो, ICAP 20 मार्क्स का भी टेस्ट कर सकता है, वो तो वेटेज एक टेंटेटिव एक गाइडलाइन होती है, राइट। अभी क्या कह रहा है, WX एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2013 इज गिवन बिलो, और नीचे इन्होंने क्या दे दिया आपको, 31 दिसंबर 2013 के एसेट्स हैं, नॉन करंट करंट, फिर आपके पास कैपिटल एंड लाइबिलिटीज हैं, जिसमें आपको क्या नजर आ रहा है, कैपिटल नजर आ रहा है, WX और Y का रिजर्व्स और लाइबिलिटीज। जल्दी से मुझे बताएं कि ये वाला जो बिजनेस है, इवन दो दिस इज नॉट रेलेवेंट, ये कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, जल्दी से मुझे बताएं कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जल्दी से। फ्लक्चुएटिंग कोई कह रहे तो नहीं, आप फिक्स तो नहीं कह रहा कोई, बिल्कुल ठीक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, वेरी गुड। अब आगे जाके वो क्या कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्नैन। जी इज टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, अच्छा इसमें एक नई चीज आपको नजर आ रही है, रिजर्व्स के नाम से 178,800 का, तो रिजर्व्स वाली जो चीज है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे जो टॉपिक्स हैं उनमें भी बताऊंगी, जो आपका IS-1 के जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें भी इसका जिक्र होगा रिजर्व्स का, उसमें इंशाल्लाह ये वो तो खैर कंपनीज के हैं, लेकिन उसमें आपको ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। पार्टनरशिप के लिए रिजर्व्स क्या होते हैं वो मैं भी आपको थोड़े टाइम में बताऊंगी। रिजर्व्स कहाँ लिखा हुआ है, ये कैपिटल के नीचे, ठीक है, शायद नजर गई भी ना हो आप लोगों की, रिजर्व नजर आ रहे 178,800। आगे जाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, जी इज टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014, यानी कि अगले दिन। कौन सी डेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, 31 दिसंबर 2013 के, डेट्स का खास ख्याल रखना है, ठीक है। और अगले दिन की बात वो कर रहा है कि वो जी को उन्होंने एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, और वो क्या कह रहा है, जी विल ब्रिंग इन ₹90,000 एज कैपिटल एंड ₹72,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये क्या चीज होती है देखते हैं इसको, Z will be entitled to 1/6 share in the profits of the firm, ठीक है। Assets will be revalued as land and building इतना, furniture इतना, inventory इतना, receivables इतना, ठीक है। इसको भी अभी देखते हैं minute level पे जाके। The claim of a trade payable for ₹13,800 is paid at ₹12,000 and half of the reserve to be withdrawn by the partners, ठीक है। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल फ्रॉम द बुक्स, ये भी अजीब फ्रेंच है ना, समझ ही नहीं आ रही क्या मतलब है इसका। और आगे वो रिक्वायरमेंट में आपको मांगते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड शो द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द न्यू फर्म, यानी के जैसे ही न्यू फर्म बनी ना, चेंज आया पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में, तो 1 जनवरी 2014 को एक नई फर्म वजूद में आ गई, WXYZ। तो वो क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2014 का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताएं, और बताएं जी कैपिटल अकाउंट्स में चेंजेस क्या क्या आएंगे। तो पहले तो हम चीजों को पहले समझ लें, रिजर्व क्या होता है पार्टनरशिप की हद तक, रिजर्व आप बस इतना समझ लें कि क्या है, पिछले सालों के जमा करदा प्रॉफिट्स, जो के पार्टनर्स ने कहा कि हम नहीं लेके जाना चाह रहे अपने घर, इसको हम बिजनेस में ही रहने देते हैं। जरा गौर से सुने, एक साल में अगर फॉर एग्जाम्पल ₹10,000 का प्रॉफिट होता है, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूरे के पूरे 10,000 को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना पार्टनर्स के दरमियान, शेयर ऑफ प्रॉफिट में दिखा देते हैं ना कि हमने वो पूरा जो ₹10,000 का रेजिडुअल प्रॉफिट बना, फॉर एग्जाम्पल वो रेजिडुअल प्रॉफिट है, सारी अप्रोप्रिएशन के बाद, सारी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बाद वो रेजिडुअल प्रॉफिट आता है ₹10,000। और अगर हम ये कहते हैं कि जी पूरा का पूरा ₹10,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट्स के दरमियान, तो हम क्या करते हैं, उस 10,000 पूरी फिगर को रेशियोज में डिवाइड कर देते हैं और वो पूरा का पूरा चला जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, यानी कि पार्टनर की तरफ जो लाइबिलिटी है उसके अंदर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं कि भाई हमने अब ये इसके ऊपर पार्टनर्स का हक बन चुका।
जी अब ठीक है, सही है जी। अपेरेंटली जो है वो लैपटॉप चार्ज नहीं रहता, आई डिडंट रियलाइज। अच्छा जी चलें विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो हम कहाँ पे थे जी? अब हम यहाँ पे थे रिजर्व्स, मैंने आपको बता दिया जी। तो मैं ये कह रही थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 रुपए के प्रॉफिट सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, पार्टनर्स वो पार्टनर के पास अब इंटाइटलमेंट है, वो उनको विड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्टनर्स ये बात भी डिसाइड कर सकते हैं कि चलें जी 10,000 में से हम 2,000 बिजनेस को ही, बिजनेस के पास ही रहने देते हैं, और जो 8,000 है ना वो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट के थ्रू अपने अपने अकाउंट में डाल देते हैं। बात समझ आ रही है? तो वो जो 2,000 रुपए पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो बिजनेस में ही रखना चाह रहे हैं, वो अपने पास नहीं लेकर जाना चाह रहे, उसको कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ठीक है। और वो क्या कहता है उसको, इन अदर वर्ड्स उसको मैं टर्म ये दे सकती हूँ कि वो रिजर्व है, ठीक है। तो इसलिए देखिए क्या, जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। वैसे क्या होता है, सारे के सारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होके कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस में शामिल हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? अगर आपने नोट किया हो, हम जिस तरह जो इक्विटी वाला पोर्शन है पार्टनरशिप के अकाउंट्स का, उसमें काफी ड्रास्टिक इनफैक्ट चेंजेस है ना सोल ट्रेडर की। सोल ट्रेडर में क्या आ रहा होता है, कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, और वो फिर आपकी फिगर उसमें लाइबिलिटीज में ऐड होती है, राइट। वो आपकी इक्विटी होती है, फिर ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स, राइट। और हम लोग पार्टनरशिप में क्या करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हम सारा का सारा काम कैपिटल और करंट अकाउंट्स में करके उनके बैलेंसेस लिख देते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास 178,800 की फिगर नजर आ रही है, ये भी क्या है, पिछले सालों के जमा करदा प्रॉफिट्स हैं। ये वो प्रॉफिट्स हैं जो कि पार्टनर्स ने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के थ्रू अपने कैपिटल अकाउंट में नहीं डलवाए। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये एक दिन पहले की बात है कि उन्होंने कुछ आपको रिजर्व्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी गुडविल की। गुडविल पर हमने क्यों कैलकुलेट किया, हमें जरूरत क्या है। अब हम एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो एडमिशन के टाइम पे हमें गुडविल के कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखें फॉर एग्जाम्पल जी, क्वेश्चन है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं और मेरी फ्रेंड हम लोगों ने जी बड़ा जबरदस्त सा बिजनेस शुरू किया हुआ है पार्टनरशिप के अंदर, बहुत उसकी अच्छी रेपुटेशन है, और हम लोग की जो है वो प्राइसिंग पावर भी बड़ी जबरदस्त है, और कस्टमर की लॉयल्टी भी बड़ी स्ट्रांग है। और फिर हमारी एक और फ्रेंड आती है, वो कहती है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। जाहिर सी बात है क्योंकि प्रॉफिटेबल है, उसको नजर आ रहा है कि आगे जाके मुझे हैवी प्रॉफिट्स मिलेंगे इस बिजनेस से। हम कहेंगे ठीक है, वेरी गुड। लेकिन हमें पता है कि इतनी आसानी से तो हमें इसको आने नहीं देना बिजनेस में, राइट। हमें पता है कि हमारे पास एक इनटेंजिबल एसेट भी है जिसकी हमने अब तक रिकॉर्डिंग ही नहीं की। बाकी सारे तो टेंजिबल एसेट्स हैं, प्रॉफिट्स भी रिकॉर्डेड हैं, सब चीजें रिकॉर्डेड हैं, लेकिन एक ऐसा जबरदस्त किस्म का बेनिफिट है जिसका नाम है गुडविल। वो हमारी मेहनत है। किसकी मेहनत है? ओल्ड पार्टनर्स की, मेरी और मेरी फ्रेंड की, जो हम पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमने इससे इस तरह के पैसे लेने हैं, दो किस्मों के पैसे लेने हैं। एक तो पैसा हमने उस चीज का लेना है जो कि हमारी सारी चीजें जो रिकॉर्डेड है, जो हमारी सक्सेस रिकॉर्डेड है ना अकाउंटिंग की टर्म्स में, एक तो हमने उसका पैसा लेना है, जिसको हम क्या टर्म देंगे, कैपिटल, कि भाई तुम्हारा हिस्सा जो हमारे बिजनेस में है ना वो इतना बनता है, राइट। और एक और चीज की हमने इससे पैसे लेने हैं, और वो किस चीज के पैसे लेने हैं, वो लेने हैं गुडविल के, गुड रेप्यूटेशन के लिए, गुड कस्टमर लॉयल्टी के, राइट। तो वो इस वजह से आपका जो है वो गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, कि बाकी सारी चीजें हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर ली थी, रिकॉर्डेड थी सारी चीजें, सिर्फ एक चीज हमारी रिकॉर्डेड नहीं थी जो कि बिजनेस का बहुत बड़ा वर्थ होता है, जो कि है गुडविल, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं, वैल्यूइंग वैल्यूएशन करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा हिस्सा, अब तुमने जो है ना गुडविल का इतना जरा पैसा हमें देना है, तुम जब हमें इतना पैसा गुडविल के लिए भी दे दोगी, फिर हम तुम्हें तुम हम जो है ना तुम्हें अपने बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल बनाएंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ दिस गुडविल एज वेल। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जो गुडविल होती है, ये जरा आप नोट कर लें, जिनको याद ना हो इंट्रो से वो जरा ये चीज नोट कर लें। गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं वो तो हमें पता लग गया, कि हमारे पास फिगर कैसे आएगी गुडविल की, वो इन तीन चार तरीकों से है। फिर जब गुडविल को वैल्यू करते हैं, आपने उसकी पहले स्टेप पे रिकॉर्डिंग भी कर ली। अब ये जरा दो टर्मिनोलॉजीज लिख लें, समझ आपको इंशाल्लाह बाद में आ जाएगी।
याद रखिएगा, पहले स्टेप पे गुडविल की कैलकुलेशन और गुडविल की रिकॉर्डिंग करना लाजमी है, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या गुडविल को बुक्स में रखना है या गुडविल को बुक्स में नहीं रखना, ये डिपेंड करता है, ये मैनेजमेंट की अपनी चॉइस है। पहले स्टेप पे उसी दिन, ये सारा काम कब हो रहा है, 1 जनवरी 2014 को हो रहा है, जब वो नया पार्टनर आ रहा है, जी आ रहा है। हमने क्या किया, जल्दी से हमने गुडविल की रिकॉर्डिंग कर ली, और फिर हमने क्या करना है, या तो हमने गुडविल को वापस से अपनी बुक से निकाल देना है उसी डेट पे। अजीब सी बात लग रही होगी लेकिन इस तरह से होता है, हमने गुडविल को अपनी बुक से वापस निकाल देना है कि गुडविल को हम वापस से क्या करें, डी रिकग्नाइज करें, रिकग्नाइज करके डी रिकग्नाइज कर देना, या फिर हम कहें कि नहीं रहने दो, ठीक है। ये दोनों क्या चीजें हैं, कैसे समझ में नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा, कोई टेंशन ना लें, अभी समझ में आ जाएगा। आगे इस पॉइंट नंबर टू में वो क्या कह रहा है कि गुड, जाहिर सी बात है अब जी भी पार्टनर है, उसका भी एक प्रॉफिट शेयर की एंटाइटलमेंट होगी, वो कितना शेयर उसका उसको मिलेगा, 1/6, ठीक है। अगली बात आती है रीवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन क्या होती है, इस हद तक सिर्फ इतना समझ लेना काफी है कि रीवैल्यूएशन होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बिल्डिंग थी और मैंने उसको खरीदा था 2 लाख रुपए का, और मैंने उसके ऊपर जो 2 डेट डेप्रिसिएशन चार्ज किया था फॉर एग्जाम्पल वो था 50,000 रुपीज, तो नेट बुक वैल्यू उसकी कितनी आई, 1,50,000, राइट। 2 लाख का मैंने खरीदा बिल्डिंग को 4 साल पहले, 2 डेट यानी कि 4 साल के अंदर अंदर 50,000 की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुई, यानी कि 1,50,000 अब उसकी क्या है, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू बेसिकली होता क्या है, नेट बुक वैल्यू होता है किसी भी एसेट का, मेरे एसेट का, मेरे बिजनेस के एसेट का, मेरे नजर में, ओनर की और मैनेजमेंट की नजर में उस एसेट की वर्थ कितनी है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अब बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग मेरे हिसाब से तो 1,50,000 की है, मेरे हिसाब से उसकी वर्थ 1,50,000 की है, जरूरी नहीं है कि मार्केट में भी उसकी वैसी ही वर्थ हो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उसको अब आज के दिन बेचने चली जाऊं उस बिल्डिंग को, तो जरूरी नहीं है कि 1,50,000 ही मुझे मिले, हो सकता है मुझे कितना मिले, 3 लाख रुपीज मिले ओवर एंड अबव, हो सकता है मुझे 50,000 रुपए मिले, मेरी मेरे हिसाब से जो वर्थ है उससे कम उसकी वर्थ हो मार्केट में। तो इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन करना, कि जब आप अपने एसेट को मार्केट के हिसाब से मार्केट की वैल्यू पे ले आते हो। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला आइटम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग का है, जिसमें वो ये कह रहा है कि एसेट की जो रीवैल्यूड अमाउंट है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है वो है 3,36,000। आपको ये पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स और बाकी सारे एसेट्स की क्या आ रही होती है, बुक वैल्यूज आ रही होती है, नेट बुक वैल्यूज। नेट बुक वैल्यू एक दिन पहले की कितनी है, 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए उसकी बुक वैल्यू है, और उसकी मार्केट के हिसाब से वैल्यू कितनी है, 3,36,000। पॉजिटिव कुछ लग रहा है ना, कि हमारे एसेट की वैल्यू जो है वो ज्यादा है मार्केट में, दिस इज समथिंग गुड फॉर अस, दिस इज कॉल्ड, जो जो 36,000 का अमाउंट इंक्रीज आएगा ये कहलाता है रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है, इसको हम कहेंगे रीवैल्यूएशन गेन। आगे देखते हैं, फर्नीचर की जो मार्केट वैल्यू है वो है 72,000, ठीक है। जब हम इधर जाते हैं, फर्नीचर हमारे हिसाब से कितने का था, 90,000 का, वही वाला फर्नीचर जो हमारी नजर में 90,000 की वैल्यू वर्थ रखता था, वो मार्केट में कितने का अगर मैं बेचने जाऊं तो बिकेगा, दूसरे लोगों की नजर में उसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ 72,000। तो इसमें क्या हो रहा है, 18,000 का रीवैल्यूएशन लॉस है, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो जिस तरह से गुडविल इज वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी स्टेप्स किसी भी चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का, उसी तरह रीवैल्यूएशन भी, आप रीवैल्यूएशन एटलीस्ट आप देखते तो हो, आप कंपैरिजन जरूर करते हो मार्केट में, हो सकता है वैल्यू सेम भी हो, जरूरी नहीं है रीवैल्यूएशन गेन या लॉस आए, ठीक है। लेकिन आपको ये एक्टिविटी जरूर करनी होती है, आपको आप देखो बेच नहीं रहे हो, है ना, आप बिल्डिंग नहीं बेच रहे, आप अपना फर्नीचर नहीं बेच रहे, आपने काम क्या करना है, जैसे ही पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में कोई चेंज आए आपने क्या करना है, जो आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं आपने उनका जाके मार्केट में उनका तज्जिया करना है, मार्केट का एनालिसिस करना है, और आपने ये पता कराना है कि इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट स्टेप, और इसमें क्योंकि कोई मेथड वगैरह नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि रीवैल्यूड अमाउंट इतनी है, या आपको रीवैल्यूएशन गेन या लॉस की फिगर दी हुई होगी, तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, राइट।
मैं भी आपके सामने एक पेज खोलती हूँ जिसके अंदर पहले ये मैं सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ समझाना, फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगी मैंने पूरे स्टेप्स में बना के, जैसा मैंने मेंशन भी किया था स्टेप्स मैंने पूरे बनाए हुए कि क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है हर हाल में। फिर आपके पास क्या आ गया, इसी तरह रिसीवेबल्स की भी मार्केट वैल्यू समझ लें, इन्वेंट्री की भी मार्केट वैल्यू। फिर आपके पास ये जो चौथा पॉइंट है ये भी बेसिकली रिवैल्यूएशन गेन या लॉस से ही पर्टेन करता है। ये क्या कहता है, द क्लेम ऑफ अ ट्रेड पेबल फॉर ₹13,800 इज पेड एट ₹12,000। आपने क्या किया, 1 जनवरी 2014 को पेमेंट कर दी अपने एक ट्रेड पेबल की, जो कि कितने का था, 13,800 का था। आपको कितने पैसे देने थे, 13,800 देने थे। आपने कितने में वो पूरा का पूरा क्लेम सेटल कर दिया, 12,000 में। इसको आप डिस्काउंट रिसीव्ड कहें, इसको आप रिवैल्यूएशन गेन कहें। ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, इफेक्ट दोनों का सेम है। ये क्या है आपके लिए, बेसिकली आपकी एक इनकम है ना, कि आपने ज्यादा पैसे देने थे लेकिन आपने वो पूरा हिसाब चुका दिया कम पैसे पे करके, और वो आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया उस पार्टी के साथ। इज दैट क्लियर, ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है ना बेसिकली 1800 का। फिर वो क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द रिजर्व इज टू बी विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि आप क्या डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो 178,800 का प्रॉफिट था ना, जो कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि हम नहीं इसको अपने अकाउंट में डालना चाह रहे, अभी कैपिटल इसको हम इसके ऊपर हम अभी डायरेक्टली हमारा हक मत बनाओ इसको, अब वो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि 178,800 में से जो आधी अमाउंट है अब वो हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर। राइट, इसको इस तरह से समझ लें, यानी कि अब रिजर्व क्या करना है, पहले आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यानी इस पूरे सॉरी 178,800 पूरे के पूरे को आपने पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसमें से वो क्या कह रहे हैं ये बात समझ में आ जाएगी। अभी लग रहा होगा कि मैं बड़ी स्पीड में हूँ, अभी मैं आपको समझाती हूँ ये। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी स्टेप्स में है। और वो आखिरी में भी बात कर रहा है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ द गुडविल फ्रॉम द बुक्स। तो अब अकाउंटिंग इसकी मैं आपको यहां से टाइम काफी अप हो गया, हम इसको इंशाल्लाह थर्सडे को, अब हमारी क्लास है, हम थर्सडे को इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। जस्ट लेट मी कंप्लीट माय डिस्कशन जो भी है। ये आपका कहाँ गया, जो मैंने आपको बनाया था पार्टनरशिप नोट्स, ये मैं आपसे आखिर में शेयर करूंगी डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे आपके पास जो है वो स्टेप्स मैंने नोट किए हैं। ये एंड में इसलिए, मतलब एंड में नहीं, एटलीस्ट 2-3 सवाल करने के बाद उसमें ही आपको फिर इंशाल्लाह ये समझ में आएगा। एडमिशन अगर का सिनेरियो हो तो उसमें आपके पास टोटल कितने स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 में आप बस इसको याद कर लें। ठीक है, मैं बताती हूँ, भी हस्तैन बताती हूँ। स्टेप नंबर 2 में देखिए आपको गुडविल नजर आ रहा है कि गुडविल की कैलकुलेशन मस्ट है। स्टेप नंबर 3 रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हर केस में आपने रिवैल्यूएशन करना है। राइट, स्टेप नंबर 4 आपका नीचे करके इसमें मैंने सारी एंट्रीज डाल दी थी, ये रिजर्व्स की बात है, रिजर्व्स का भी किस्सा आपने खत्म करना है। ठीक है, और स्टेप नंबर 5 में फिर आपके पास और भी चीजें आती हैं, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप जब एक दो सवाल करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि काफी सिमिलर इसका तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। रिजर्व्स वाली बात पे दोबारा आती हूँ, रिजर्व्स के बारे में वो क्या कह रहा है, ये जब तक हम थर्सडे को सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक हस्तैन आपको शायद ये समझ में ना आए। रिजर्व्स क्या होता है ये समझ में आ गया, रिजर्व्स वो वाले प्रॉफिट्स होते हैं जो कि अब तक शेयर और प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुए। राइट, तो पहले आपने क्या करना है, देखें मैंने आपको ये बात भी कही थी कि कोई भी पार्टनर डायरेक्टली जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसी की इंटाइटलमेंट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलना है, पार्टनर को ही मिलना है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डबल एंट्री ये नहीं आपको नजर आएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट,